वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. मैं हूं जगीती पाठक चोपड़ा एंड तुहाडे सारा दा स्वागत करदी पीटीसी पंजाबी ते. बिकॉज इट्स नवरात्रि टाइम और नवरात्रि दे विच जिते स्पेशल मील्स बनदे ने. सो दिस इज माय नवरात्रि थाली व्हिच इज गेटिंग रेडी. सो ये सब्जी जा रही है. इसके साथ देयर आर राइस, देयर्स पनीर, देयर्स रायता, देयर्स पापड़. This is all done. Here I get my thali done. Wow. This looks amazing. With my thali, this is the puri. क्योंकि सिंघाड़े का आटा और दड़ाऊ का आटा ही खाना चाहिए ड्यूरिंग द नवरात्र. सो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन की जाती है नवरात्रि थाली की. इफ वी सी देयर इज क्लीनलीनेस, सो टॉकिंग अबाउट द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, तो यहाँ पे थाली रेडी हो रही है. If we can see, उन्होंने मतलब gloves properly पाए हुए ने. इधर कुछ नहीं है कि hygiene का या cleanliness का ध्यान नहीं देता गया है. And because it's COVID, head mask भी पहने, headgear पहने हुए उन्होंने, head mask cover किए हुए अपने बाल, ऐसा कुछ नहीं है. gloves पहने हुए हैं, mask पहना हुआ है. So it has been मेरी final नवरात्रि थाली. सो माई नवरात्रि थाली इज रेडी. तो हूँ मेरे को बिल्कुल वेट नहीं हो रहा कि मैं इसको खावा और तुहानू भी दसा कि किहो जिहा लग रहा है. सो सैलड इज ऑल्सो देयर, पापड़ भी है, सब कुछ है. और चावल के नाल, यानी कि स्वाद के चावल के नाल मैं इसकी शुरुआत करने वाली हूँ, विच आई एम गोना हैव विद दही एंड ऑल्सो विद पनीर. सो मैं काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है. सो लेट्स टेक अ बाइट. मेरी शक्ल देख के लग रहा है ना कि मुँह का पानी आ रहा है, और तुहानू भी देख के लग रहा है ना कि असी भी कोई नवरात्रि थाली देख दे कि कितने हैगी आ और ट्राई करिए. सो इदा बिल्कुल नहीं है कि स्वाद खाना इन्होंने 9 दिन नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने 9 दिन जो खाना मिलता है, जो नवरात्रि थाली मिलती है, वो पूरे साल कि नहीं मिलती. बट इट इज रियली ग्रेट. इस 9 दिन एक खाने का मजा ही कुछ हो रहा है. सो लेट्स गो. So delicious. At times ना इतना सिंपल फूड और ऑर्गेनिक अच्छा हेल्दी फूड खा के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है. एंड नवरात्रि तो बेटर कोई भी इतना मौका नहीं होता. सो आई एम टोटली रिलिशिंग इट. यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट. सो आलू बहुत ही बढ़िया बनाए गए ना. हूँ मैं पनीर की ग्रेवी ट्राई करने वाली है, जो टमाटर एंड काजू दे पेस्ट के नाल बनाए गए ने. काफ़ी अच्छे लग रहे थे, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया की गई है. Who says कि खाना कैन, मतलब नवरात्रि फूड कांट बी दैट डिलिशियस. सो आई फ्राइड राइस, इट्स नाउ टाइम कि मैं कट्टू दे आटे की पूरी. जो पंजाबियों के आई थिंक ऑल ओवर नेशन शायद इधर की गल कही जाए हो कि जो तुम भुख लगी होंगी ना, तो पूरी फुलती है. सो मेरी पूरी काफ़ी ज़्यादा फुली हुई है, क्योंकि मैं सब देख के आई सी, प्रेपरेशन देख के आई सी, उस बाद मेरी पूरी का फुलना तो बनता ही सगा. सो आई एम गोना टेक अ बाइट. What a flavor. So specifically इस पूरी नूं जिदे आलू पूरी असी बहुत फेमस है, पूरी छोले बहुत फेमस है, वो ते पूरी दे नाल कद्दू खाने का एक बखरा ही स्वाद होंदा है. सो आई एम गोना टेस्ट इट विद कद्दू. इक्वली अमेजिंग, इक्वली. मतलब जो स्वाद आलू के नाल खा के आया, पनीर के नाल खा के आया, सेम इज विद कद्दू एज वेल. सो ये मील सानू पूरे साल ही मिलना. नवरात्रि इज द टाइम, माता रानी नू भी वेलकम करो, नवरात्रि दा फास्ट भी रखो, और इदा दा स्वादिष्ट खाना खाने का मौका तुसी भी नहीं छड सकदे. सो आई एम गोना एंजॉय माय मील, माय नवरात्रि टाइम. टिल दैट टाइम तुसी भी अपने आसपास दे इलाके दे विच देख सकदे हो कि कित्थे बहुत ही वधिया आस पास नवरात्रि थाली मिल रही है. आई एम एट दिस प्लेस, इस जगह का नाम भी मैं तुम्हें दसूंगी. बट ऑनेस्टली
इतनी प्रिपरेशन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन इट कम्स द टेस्ट सो टेस्ट के विच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया क्लीनलीनेस के विच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया और हाइजीन के विच भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया सो इट्स अमेजिंग सो कट्टू दे आटे दी जिदा असीं नॉर्मल आटा पूरी खाने हां अपार्ट फ्रॉम दैट कट्टू दे आटे दी पूरी इसी समय दे विच बनाई जांदी है और कट्टू दे आटे दी पूरी भी उन्नी ही स्वाद लगदी पई है क्योंकि इस दा टेस्ट हल्का जिहा डिफरेंट जरूर हैगा बट इट इज नॉट लाइक कि तुहानू लगेगा कि हाय मैं की खा लिया या कड़वा है या इदां दा फ्लेवर है या इदां दा फ्रेग्रेंस है इदां कुछ नहीं है इट इज इक्वली दैट अमेजिंग जिदा कि एक नॉर्मल आटे दी पूरी हुंदी है नवरात्रे स्पेसीफिकली लसन और प्याज का मतलब यूज नहीं किया जाता एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस सारे खाने की प्रिपरेशन सिंघाड़े जिदा सिंघाड़े का आटे की पूरी बनाई जाती कट्टू के आटे की पूरी बनाई जाती वो सारा खाना जो बनाया गया सिंधा नमक के बनाया गया इट इज़ नॉट द नॉर्मल वाइट सॉल्ट सॉल्ट विच हैज़ बीन यूज बट इट इज द सिंधा नमक जो इस खाने के यूज किया गया जो इस खाने अलाओ मतलब इस खाने दे बनाया जाता नवरात्रे ये इदा का फूड है जो तुम फास्ट के ऑल ओवर द डे फास्ट रखते हो एक टाइम ये मील लेंगे दिस मील गिवज यू एनर्जी दिस मील गिवज यू स्ट्रेंथ ताकि वीकनेस ना फील होवे और बॉडी वो पौष्टिक आहार जरूर मिले सो नवरात्रे फास्ट का यह मतलब नहीं होंगे कि तुम भुखा रहना चाहिए या इदा करना चाहिए बिकॉज ना माता रानी थोड़े घर आए होंगे ने उस चीज़ को असं सैलीब्रेट कर रहे हैं और कर आए हैं उन्होंने मतलब द मील विद आर वेरी ओथेंटिक जरा रिलीजियस बिलीफ है उसका ध्यान रखते हुए भी अजिहा मील बनाया जाता है सो घर भी असं बना सकते इन्होंने सारी चीज़ों को वो जितना कुछ बाहर का फ्लेवर लैन का इरादा है सो इतने तुम इदा की जगह पर जा सकते हो डेफिनेटली जितने फ्राइड खा के थोड़ी जी मतलब ना हैवी हैवी फील होता है वो कर्ड एंड द सैलड मेक्स यू फील लिटल लाइटर बिकॉज दैट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड विच वी हैव ईटन जो हल्का जहा हैवी होता हैवी होता इस रीजन पिछे कि सानू पूरे दिन के लिए एनर्जी मिले वी डोंट फील वीक ड्यूरिंग द नवरात्रि फास्ट बट एट द सेम टाइम टू कंपनसेट जो हैवीनैस या फ्राइड खाने के नाल हैवी पूरी खाने के नाल सानू फील होंदा वो चीज़ सैलड और दही के नाल कंपनसेट हो जाती है इट मेक्स यू फील कूलर ऑन द लाइटर ऑन द अदर साइड इतना खाना खा के ना मेरा मन कर रहा मैं भी कुछ इतना ट्राई करा घर के क्योंकि मेरे फास्ट रखे हुए हैं सो आई थिंक आई शुड ट्राई समथिंग लाइक दिस एज वेल विद द मील कर्ड लुक्स अमेजिंग यम टेस्ट यम सिर्फ ये नौ दिन ही नहीं मिल रहा था इतना फूड सानू बाकी दिन भी खाना चाहिए So I'm almost full. I'm gonna end my thing with this papad. Sabudana allowed hunda. So this sabudana da papad hunda. I'm actually full. मैं बहुत ज़्यादा खा लिया और ये साना खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सेगा. सो क्योंकि मैं सब कुछ खा चुकी हूँ एंड असी एक बाइट लवेंगे खीर की क्योंकि मिठे के नाल एंडिंग करांगे और इस दे नाल ही मैं कहना चाहूँगी कि नवरात्रि का फूड जिहड़ा हुंदा जिन्ना पुराने समय तो चलता आ रहा है जो अज के समय के विच भी फॉलो किया जाता है उसकी ओथेंटिसिटी कितें कितें
लूज हुई है, बट एट द सेम टाइम इदा नहीं है कि उसके फ्लेवर्स दे विच कुछ भी कंपनसेट किया गया कि अजिहा नहीं था, इदा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया. सो द फ्लेवर्स हैव कंटिन्यूड ओवर एजेस और एक नवे रूप दे विच भी रेस्टोरेंट्स दे विच भी इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, विच इज एन अमेजिंग थिंग अगेन. And I'm sure कि तुसी भी अपने नवरात्रि नूं बेटर बनाना चाहोगे, इधर किधर जाके बाहर मील जरूर करना चाहोगे. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल वेयर एम आई. सो आई एम एट फूड बाजार ऑफ जलंधर. सो जलंधर के फूड बाजार के बीच मैं आई हुई सी, जिते काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, भारी मात्रा के उत्तर लोग आते हैं, कुछ वधिया अच्छा इंडियन फूड भी इंजॉय करते हैं, साउथ इंडियन भी इंजॉय करते हैं, कॉन्टीनेंटल चाइनीज ऑल द फ्लेवर्स आर हेयर. सो पीपल डेफिनेटली इंजॉय स्टफ ओवर हेयर. And because it's Navratri, you cannot miss coming here. और people आज भी इतने आते हैं नवरात्रि के टाइम के बीच भी ये स्पेशल थाली ऑर्गेनाइज की जाती है, जो लोगों के लिए स्पेशल प्रेपरेशन अंडर बनाई जाती है. आई होप तुहानू ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस दे नाल ही डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, मैनू जरूर दस्यो कि तुहानू ये वीडियो किदां दी लगी. एंड इफ यू वांट टू गो समवेयर आउट एंड तुसी कैडी नवरात्रि थाली ट्राई की, कितने ट्राई की, डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड इफ यू वॉन्ट ट्राई दीज ऑल रेसिपीज एट योर होम, प्लीज डू लेट अस नो. थैंक यू.